गड़िया हटाओ इतना बढ़िया गड़िया दो चार गड़िया हटाओ होया तो फॉरवर्ड कर रखे
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ਸੁਹਾਵਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ।
ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਠਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੋਟਰ ਡੈਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਾਧ ਘਾਟ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਪ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਦਿਲ ਕੁੱਲ ਘਟਾਵਾਂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖੋ ਆਪ ਬਖਸ਼ੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਖੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ ਬੋਲ ਜਾਣਾ ਪਾਇਆ ਮਤ ਮਾਤਾ ਵਰਨਾ ਜਿਤਨਾ ਹੋਏ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਰੋਕੂ ਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ੋ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਬਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਬਤ ਆਪਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਭਈ ਰਖਾਈ ਕੀ ਨਵੇਂ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸੰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਜਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰੇ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਜੋ ਸੇ ਨਾ ਕੈ ਸੇਵਦੇ ਜੋ ਸਰ ਨਾ ਕੈ ਸੇਵਦੇ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਤੁਮ ਅਟ ਮੰਡਲਾਵੇ ਭਗਤ
आए जसे जानियो कब पुलिस जस कवे गुरु नानक राज जोग जिने मानियो सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन पव सच सदा सच पाखंड सोहे सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति वो है जिस सच संजम भक्त सच कवल जन कवल कल वखाणे दर्शन परसिए गुरु के सच जन्म परवान आप नारायण कलाकार जग में परवरियो निरंकार आकार जोते जग मंडले करियो जय कहते परपूर शब्द दीपक दीपायो जैसिक्यो संग तत हर चरण मिलायो नानक कुल निमल अवतयो अंगत लहे संग हो गुरु अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पासरण तो चित चित अरदास को पर कह भी न सको सर्व चित तुझ पास सार संगत हो तको तेरे हुक्म पवे निशान तो करो साहिब की सेवा जब गुरु देखे सुभ दृष्टि नाम करता मुख मेरा अगम अलग कारण पथ जो फरमावे सो कहो गुरु अमरदास कारण करण जे तू रखे तिव रहो देवपुरी में गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुरु ते बैठायो रस कियो सुर देव तोए जस जय जय जप्यो असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपयो काट सो पाप तिने नरो के गुरु राम जिने पायो सत सिंहासन पृथ्वी गुरु अर्जुन को दे आयो हम अवगुण परे एक गुण नाई अमृत छाड़ बिखे बिख खाई माया मोह परम पे भूले सुत दाना स्यों पीते लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जमे त्रास मिटाई एक अरदास पाठ की रत की गुरु रामदास राखो शरणाई एक अरदास पाठ की रत की गुरु रामदास राखो शरणाई सुको अटल गुरु सेवी
जड़े सच्चा पातशाह श्री शान शाह जिस पास बैठे वाहे गुरु जी का खालसा।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਨਮ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਵਿਸਰੇ
सोरट सो रस पीजिया कबू न पीका होए नानक राम नाम गुण गाइया दरगह निर्मल सोए जो पर रखे आप तिन कोई ना मारी अंदर नाम निधान सदा गुण सारी एका टेक अगम मन तन प्रभु तारी लगा रंग अपार को ना उतारी गुण हर गुण गाए सहस्त सारी नानक नाम निधान हृदय उहारी करे सचंगा माण दुई गुण तलाहे अपनी नदर निहाल आपे लहो लाए जब देहु मति उपदेश विचों परम जाए जो तर लिखिया वेख सोई सब कमाए सब कित देवस दूजी नाही जाए नानक सुख आनंद पे प्रभु की मान जाए गुर पूरा जिन सिमरे सज्जन तारा
जनो सच्चा पातशाह सिर शान हो जिस पास बैठ सोई है सपना नाम सज्जन सच्चा पातशाह Oh,
कर रहे हो मिटो न मन को मा
सिमरन राम को सोनार मुक्ता जाना नर हरि अंतर नहीं नानक साची माना एक भगत भगवान जय प्राणी के नहीं माना जैसे सुकर स्वाना नानक मानो तारे तन स्वामी को ग्रह जो सदा स्वामित जत नहीं नता नानक वह विद हर पजो एक मन होए एक चेत तीर्थ व्रत अरदास कर मन में पर गुमान नानक देह फल जाते जो कुंचर कर देखे हो जगत में को काहू को नाहे नानक तेरे हर भगत है तेरा को मन मारे जग रचना सब झूठ जान ले हो रे मीता कह नानक तेरे नार है जो बालू की पीता चिंता कांकी की जिया जो अनहोनी होए यो मार्ग संसार को सुबिन सह परो नानक अब होट हाय गज जो हो सहाय बारो आगंदर सुते सब कैसे हो तू पाए नानक सब किछ तुम रे हाथ में तुम ही होत सहाय संग सुखा सब तज दे को रंग भयो साथ कहो नानक एह विपत में एक एक रघुनाथ राम रहे हो साधु जपियो गुरु मंत्र राम नाम और मैं दे
राग एक सम पंच परंगण संग अलाप्यो मंगल प्रथम राग करो वह करही पंच रागणी संगू चरही प्रथम प्यार भी बलावरी पनया की गावै मंगली उन्हें सवे की पई सारी ए पैरों की पंचो नारी पंच मार्ग दिशा सुनावै मंगल मत माधव गावै लल तबला लगावै अपनी अपनी पात अष्टपत्र पैरों के गावै गायन पात्रा तुतिया मार्ग सब अलापै संग रागनी पंचो थापै गौण करी हर देव गंधारी गंधारी सिद्धि उचारी प्रासरिये पांचो गाई मान राग को सुख संगलाई मारू मस्त अंग में मारा पर पर चढ़ को सुख उभारा खोपटे हो पौलम भगाए अस्त मान को सुख संगलाए उन्हें आयो हंडोला पंच नार संग अष्ट सता उठ तान कलोला गायन तार मला वही तेरंगी देव करी आई रसंती संदूर सुहाई ससही लीला पार जा संगलाई पांचो वार जा स्वर्गानंद पास कर आए चंद्र दिव मंगल सुहाय सरस बारो आए गमोदा गाव है सरस बसंत प्रमोदा अष्टपुत्र मह के सवारी पुण्याई दीपक की बारी कचेरी पट मंजरी तुटी कही अलाप कामों दियो गुजरी समधी पके थाप कारम का कुंतलो रामा कमल कुसुम चंपके नामा गौरा हो कमरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सागर श्री राघव गावे पांचो संग बरंगन लावे बैरारी करनाटी करी गौरी गावे असावरी तै पांचा सुंदरी आलापी श्री राघ सुनु पांचो थापी सारो सार सागरा और गौण गंभीर अष्टपत्र श्री राग के पांचो चीनी बैरा तर गज धर के दारा जबरी कारण हो जग तारा उनका मैं शंकर श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा कष्ट रागे Guru.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਿਮਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਕੇ ਰਾਜੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਜੈਕਾਰ ਜੀ ਮੁੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਪਛਮੀ ਬੋਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਬਜਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हूँ मैं गुरुद्वारा गुरहर राय साहब जी के कमेटी मैंबर भाई संतोख सिंह कारणा बेनती करता है कि वह गुरु की हजूरी आके सिर उपा प्राप्त कर लैन। भाई संतोख सिंह कारणा पाठ होंगे। Thank you.
ਇੱਛਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਜੈ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇ ਵਡ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮੇਂ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮੇਂ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਦਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸਤ ਸਤ ਤਤ ਸਭ ਚੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵੜਿਆਈਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਤਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਖਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਪਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੁੱਖ ਉਸ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੇ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਓ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਫਿਰ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣ ਪਾਏ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਭੋਗ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇਵਟ ਆਪ ਤੇਵਟ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜਿੰਦਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਕਸਮ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਜ ਸਨਾਤ ਰਾਗਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰਕੇ ਜਨ ਸਤਗੁਰ ਸਰਪੁਰਖ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰਪਾਸ ਅੰਕੀ ਰਹਿ ਕ੍ਰਿਮ ਸਤਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਅਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਓ ਹਰ ਜਨ ਕੇਵਟ ਭਾਗ ਵਟੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੈ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗ ਹੀ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਗੁਰ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਡ ਜੀਵੈ ਤ੍ਰਿਡ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਤੌਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਪਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਸੰਗ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵੈ ਉਤਮ ਜਾ ਆਹ ਹੈ ਜੀਉ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜਨ ਤੋ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਰ ਜਿਤ ਆਗੇ ਧਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਤ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਓ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਧ ਬਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਜਿਕ ਸਭਾ ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਕਉ ਕਰਿਆ ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋ ਸਤ ਸੁਭਾ ਛੇ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ ਤਿਨ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸਤ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਲ ਕਲ ਧਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਤ ਬਲ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸਤ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਲ ਕਲ ਧਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਤ ਬਲ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ
गुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपार सत्य आवे तुद जी हर सच्चे सृजन हर सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातार हर त्याओ संतो जी सब दुख विसारण हर हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार तू काटक अंतर सब निरंतर जी हर एक को पुरख समान एक दाते ते खारी जी सब तेरे चोज विराण तू आपे दाता आपे भोक्ता जी हम तुझ बिन और न जान तू पार ब्रह्म व्यंत व्यंत जी तेरे क्या गुण आख वखाण जो सेवे तुझ जी जन नानक तिन कुरबान हर त्यावे तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुकत भय जिन हर त्याया जी तिन टूटी जन की फासी जिन हर निरपौ त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जैसी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत साला हन कुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करे हर पूजा जी तब तापे जपे बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु समर्थ शास्त्र जी कर क्रिया खट करम करंता से भगत पले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड़ और न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नैचर करता सोई तुद आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करे सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सृष्ट सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सैंका जानोई आसा महला चौथा तू करता सच्यार मेंडा साईं जो तो पावे सोई खीसी जो तू दे सोई हम पाई रहाओ सब तेरी तू सब नित्याया जिसनु कृपा करे ते नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिंदु जा कोई ना है जी जन सब तेरा खेल विजो मन विषया संजोगी मेल जिसनु तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिंदु जा और न कोए तू कर कर वेखे जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला सर्वले पैलन वासा पानी पाओ तिन्हे किया पंच जो मो पगने चाले हम देखा तैं डूबियले मन एक न चेत सुमूल मना हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जती सती नहीं पड़िया मूर्ख मुक्ता जन्म पया
पढ़वत नानक तिन की शरण जिस तू नाही विसरिया असा मरदा परिमान भाई प्राप्त मानुख दे होया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया और काज तेरे कते ना काम मेरे साथ संगत पच के वरनाम सरन जाम लाग भौजर तरन के जन्म दत्ता जात रंग माया के रहाओ जब तब संयम धारणा कमाया सेवा साधना जानिया हर राया कौना हम नीच करन मा शरण परे की रातो शर्मा जब तब संयम धारणा कमाया सेवा साधना जानिया हर राया कौना हम नीच करन मा शरण परे की राखो शर्मा एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कभियो वाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ रे रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो कृपारा हमरे दुष्ट सब तुम कहो आप हाथ दे मोहे बचाओ सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई और न त्याऊं जो बचाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतर हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है वो जो सदा हमारे पक्षा श्री अस्तु जो करियो रक्षा रात लयो मोय रात न हारे सहाय गुर संत सहाय प्यारे दीन बंधु तन के हंता तुम हो पूरी चतर दस्कंता काल पाए ब्रह्मा भक्तरा काल पाए श्री जी अवतारा काल पाए कर दसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सर कियो वेद राज ब्रह्मा जो कियो जवन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताई हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव देव जशन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सिरकन को सिरगन सुख दियो सतरन को पलमो बतियो कट कट के अंतर की जान पले बुरे की तीर पहचान चीटी के कुंचर अस्तूला सब पर कृपा जस कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए सौदन के सुखी एक एक की तीर पहचान है कट कट के पट पट की जाने जब उत्तर करा कर तारा प्रजा कर दे अपारा जब आकर कर हो कब हूँ तुम मैं मिलक देख कर सब हूँ जेते बदन से सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब नीचे रहत निरालम जानत वेद भेद हर आलम निरंकार निर्विकार निर्लम आद अनिल अनाद असम का मूर्ख उचारत भेदा जाको भेद न पावत भेदा तांको कर पान मानत महामूल कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा सिर निरंकार का चीनत न पिर आप अपनी बुद है जेती
बरनत पेन पेन तो है तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कै विर सजा प्रथम संसारा ते कै रूप अनूप सरूपा राम पयो राके ये पूपा अंडज जेरत से तजकीनी कुछ कुछ खान बहो रैगीनी कौन फूल राजा है बैठा कौन समझ पैसा तेरे कैठा सगरी सृष्ट दिखाए चंगा और जुगाद स्वरूप सैन कम अब रक्षा मेरी तुम करो सिख्यो बार सिख संघरो दुजे ते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस्तु तुम सरनी परे तिनके दुष्ट दुख है मरे पुरुष जन पट परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार त्याय है ताम के काल निकट न है रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला कृपा जिस तन जाए न हर हूँ ताके तौक तनक मोहर हूँ रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाक्ष ऐसे कहना कोई एक बार जिन तुम्हें संवारा काल पाप से ताए उबारा जिन नर नाम तिहारो का दौरत दुष्ट दोख तेरा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले ओ बारी सर्व ठोर मोहो सहाई दुष्ट दोख तेरे हो बचाई खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी सर्व ठोर मोहो सहाई दुष्ट दोख तेरे हो बचाई सवैया पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरने आनियो राम रहीम कुरान कुरान अनेक कह मत एक न मानियो सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कह हम एक न जानियो श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हे बखानियों दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाएं कहने की लाज रस गोविंद दास तुहार सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाएं कहने की लाज रस गोविंद दास तुहार राम करी महला तीजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु ने पाया सतगुरता पाया सहज सहती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां सब त्रिगावन आईयां सब दोत गाओ हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सब नांगला समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावे सदा सदा तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाचे शब्द कहे रे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा अवतारो साच नाम आधार मेरा जिन भुख सब गवाइया
सर शांत सुख मन आयस्या जिन इच्छा सब पुजाया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस किया ए वड़ियाया कह नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पाई सब तर कर सभागे सब दुवाजे कला जित कर तारिया पांच दूत तुद वस कीते काल कंठ कुमारिया तुर करम पाया तुजन को से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख होवा तित कर अनहद वाजे अनद सुनो वट पागियो सगल मनोरथ पूरे और ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्चे वाणी सत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे हंगामी महला पंजवा के पास Yes.
सारे नाम तेरो पा
तेरो चंदना कासे जते नाम ले तुझे को चारे नाम तेरो दीवा नाम तेरो दाती नाम तेरो दीवा नाम तेरो दाती नाम तेरो हम
वाहेगुरु जी की फतेह। तू ठाकर अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौन दावै धाए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब सब थाई होए सहाय दसहा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी पंजा प्यारिया चौह साहबजादिया चाली मुकद्या हठिया जपिया तपिया जिन्हें नाम जपया वंड के छकिया देख चलाही देख वाही देख के अंडट किया तिना प्यारिया सचारिया की कमाई का ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी जिन्हें सिंह सिंगणिया ने धर्म हेठ सीज दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लफाइया चरखड़िया चढ़े आरिया नाल चराए गुरद्वारिया की सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म ने हारिया सिखी केसा सुवासा संग निभाई तिना प्यारिया सचारिया की कमाई का ध्यान धरके बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारिया का ध्यान धरके बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित्यावै चित्यावन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां जी खालसा साहेब तहां तहां रश्या रियाज देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाये खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के पवित्र दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उची मत पद के राख आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय तार जियो समूह गुरद्वारिया गुरधामा जिन्हों तो खालस पंथ न छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल का दान खालसा जी नख्शो इन माणिया के माण नितानिया के तान न्योटिया जोड़ सतगुरु आप जी के हजूर अरदास बेनती योजरी है महाराज जी आप जी की अपार बख्शिश रहमत कृपा हो सतगुरु जी गुरद्वारा साहब की ओपनिंग में मुख रखद्या हो पिछले समय तो सहज पाठ प्रारंभ हुए उन्होंने संपूर्णता भोग पाए गए सतगुरु जीओ गुरद्वारा साहब दिन नवी इमारतों लै करके बाणी पढ़द्या सहज पाठ करद्या पाठी सिंह के कोलों सेवा लगाद्या हुई भुलों की मुआफी अगे वास्ते कृपा करनी जी उपरंत संध्या के समय सोदार रहरत साहब जी के पाठ आरती आरत जागती अरदास अखर वाधा घाटा भुल चुक मुआफ करना सबद के कार्य रास करने जी आप जी ने समूह संतों वालों सुंदर रुमाले भेट किए गए आप जी ने अंगीकार करने देशों प्रदेशों के अंग सहाई होना सतगुरु जी संगतों के आपसी प्यार दफाव कोशिश करना चढ़दियाँ कला करनिया गुरमत के अनुसार मनोकामनावान पूर्ण संपूर्ण करनिया जी आप जी के हजूर समूह साध संगत वालों पंचम अमृत कड़ा प्रसाद की देख सज के हाजिर है जी करो कृपा
अनक प्रकार भोजन बहु पीए बहु व्यंजन मिशाए करी पाकसल सोच पवित्रा हुण लाओ भुग हर राय साध संगत विच वरताउण दी आग्या होवे। आईआं संगतां नूं पावन पवित्र हुक्मनामे बख्शो जी, आप अपनी कृपा द्वारा हुक्मनामे ते चलण दी समर्था बख्शिश करनी, सिख पढ़दे सुणदे सबक लाहेवंद होवण जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी की फतेह। दोहराया गया भैया काल की, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो, गुरु ग्रंथ जी मान्यो, जो प्रभु को मिले हो चहै खोज शब्द में राज करेगा खालसा। ख्वार हुए सब मिलेंगे, वाहिगुरु नाम जहाज है, जो श्रद्धा कर सेवंदे गुर पारे उतारन, जो श्रद्धा कर सेवंदे गुर पारे उतारन हार। बोले सो निहाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मन की इच्छा पुजाई,
प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हुण मैं पंज प्यारियां दे जत्थे नूं सिरोपां नाल सम्मानित किया जाएगा, उपरंत पंज प्यारियां दे जत्थे दी वधाई होवेगी। धन्नवाद सरबत संगत वालों पंज प्यारियां दे जत्थे नूं, आओ फतेह बुलाईए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतसंगत जी, एक बेनती होर है। एक चाबी गुमी हुई मिली है, जिस किसी की भी है वो चौकी तो प्राप्त कर सकता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। Right.
सतनाम वाहे गुरु 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 वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। हुण भाई गुरिंदर सिंह जी जथा कीर्तन करनगे तो गुरु रूप प्यारे सत्संग जी जिस माए भाई ने चाह नहीं छकी है वह छक सकता है। हुण गुरिंदर सिंह जथा कीर्तन करेगा सो आप जी चाह छक सकते हो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। Thank you.
Bye.
Thank you.
सत्संग जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हम मैं गुरुद्वारा सिंह सभा हॉलैंड कमेटी मैंबर सरदार सविंदर सिंह ग्रोवर अते दिनहार गुरुद्वारा के कमेटी मैंबर भाई हरजीत सिंह, गुरुद्वारा गुरु नानक अमचड़म के कमेटी मैंबर सरदार उत्तम सिंह अते आसामाई मंदिर के मैंबर नूं निवेदन करदा कि वह गुरु महाराज की हजूरी में आके सिरपा प्राप्त कर लैन। बोले सोनेहा धनवाद करते हैं गुरुद्वारा दिनहार सिख तरात वाले जिन्होंने पंजा प्यार वास्ते चोला साहब की सेवा की। हुण 15 मिनट वास्ते भाई नंद सिंह सब तो सवा सत गुरुद्वारा दिनहार तो कथा विचार करेंगे। अजीत सिंह जी अपने कुछ विचार प्रकट करेंगे। युगो युग अटल जब तक के मालक धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की गोद बैठ करके निग और आनंद माणे साध संग जीओ गज के फतेह बनावो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला वेफरवाई शहर के जितनिया भी सिख संगत अफगानिस्तान दंगत या काबुल दंगत कह लो बसदिया हैं सारू ही लखा ही बार मुबारक होवन बधाई होवन। गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा डनहाग और डनहाग के समूह संगत और समूह गुरद्वारा साहब वालों आप इतों दिया वैफरवाइक और वैफरवाइक आल दुआले जितनिया भी सिख परिवार रेंदे हैं उन्होंने इस गुरु घर में अज सतगुरां दे जो पावन स्वरूप प्रकाशमान हुए हैं इस दिया बहुत बहुत मुबारक और गुरद्वारा साहब जो खुले हैं क्योंकि सतगुर की बाणी का जाप करने वास्ते हरिमंदर सोई आखी है जिथों हर जाता हरिमंदर उही है जिथों हरी प्रभु जाणिया जाए। तो आप सारे ही जानते हाँ कि जितना भी वध तो वध वाहिगुरु का नाम जप लिया जाए वो थोड़ा है इस जिंदगी दे विच कि साडा जो शरीर है इसे करके परमात्मा ने दिता है कि आप नाम जपीए और गुरु घर जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी प्रकाश हो जाते हैं उत्थे परमात्मा दीआं अनेक ही बख्शिशां हो जांदीआं हन और कृपा हुंदीआं हन क्योंकि ये भी फरमान है कि सतगुरु की जो सेवा करे चित लाए। जे कोई परमात्मा की नाम लैके सतगुरु की सेवा करता है तो उसको किसी भी किस्म का घाटा नहीं रहा। अज भी आप देख रहे हो आप जी ने सेवा की है मंजित ला के कितने सुंदर महल गुरु महाराज आप सब बख्शे हैं और एक बार फिर ज़्यादा समा नहीं लेना तो काफ़ी समय तो आप जी बैठे हो डनहाग दियाँ गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा डनहाग वालों आप खूब संत लखा बार मुबारक भुल चुक की जिमा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ਟੰਡੋ ਜਨਾਨ ਕੁਪਾ
ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੁਰਤ ਗੁਰਲਮ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਜੀਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਲੇ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਹੈ ਤੇਹਾ ਕਰੀਬ ਖਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਆਲੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਥਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਜਣਾ ਸੋਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਰੋਟੋ ਡੈਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਦਿਸ ਗਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਹਨ, ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਲਵੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਰਪਾ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ ਵੇਖਣੀ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਖਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਟੋਭੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖੀ ਆ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ,
सुखमनी साहब के पांच पांच पार बीबिया दस दस पार ये मेरा विश्वास है भी जे बीबिया ला दिए ना कीर्तन करना बीबिया जड़िया चलो गल मैं भाइय जी भी करता वा सारे करते हैं बीबिया ढोलकी चमके लैके मेरा ख्याल भी जो बारह घंटे कहन तो बारह घंटे कीर्तन कर देंगे कुछ अपना मैं बेनती करा भी गुरद्वारा साहब बनाए ने रब न जाने जाना क्योंकि गुरद्वारा साहब जो महाराज का स्वरूप आए ने गुरु पातशाह मैं बेनती करना भी गुरु अमरदास के वेले तिना पातशाहियों के सिखा ने दर्शन किए तवजो दौ जी गुरु रामदास के वेले चार पातशाहियों ने दर्शन किए सतवें पातशाह के वेले सत्तां ने दर्शन किए नौवें पातशाह के वेले नौवां ने जे कोई सवाल करे भी कोई अखा चो वराग का जल वह कि कदे भी मैं दसा दे करने से भी जो जिंदा हों एक गल याद रखियो कई तिना गुरुआ के चौवे गुरुआ के शरीर करके चले गए तो अपने सारे कलयुग के किन्ने चंगे भाग रहे आप दसा पातशाहियों के कर रहे हैं सतनाम आप कहने ना दसा पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ का दीदार का ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु आप दसा पातशाहियों के दर्शन कर रहे हैं जे को आखे ना कलयुग से कलयुग है कि वह जोड़ा रोज बाणी पढ़ता गुरद्वारा साहब बन गया अच्छ स्थान महाराज जी का पहला वो बिल्डिंग मत्था टेकता सी मैं पहला कोई भी बिल्डिंग मत्था नहीं टेकता अज महाराज सच्चे पातशाह आए ने सरूप आया गुरु साहब आप आए ने मेरा ख्याल भी आप जिन्हें भी इतने बैठे हैं ना कोई भी इतों की लंघे बंदा कोई भी शरीर जो लंघे जा गड्डी लैके कोई ऐसा शरीर नहीं जिहड़ा अज तो बिल्डिंग नमस्कार मिलना को सतना पहला तो जे कोई चीज़ लिया खाने आप कहीं पानी पिया रोटियां पिया ये मेरा ख्याल भी अज तो बाद सारे आप लंगर कहे आखो सतना इन्नी कृपा महाराज सच्चे पातशाह जी गुरद्वारा मैं बेनती की गुरद्वारा साहब बनाए गए एकत्र करके और माया एकत्र करके सारिया का गुरु महाराज सच्चे पातशाह जिन्ना भी दसवंध कटिया सारी संत ने यह बिल्डिंग लई खर्चा होया महाराज सच्चे पातशाह मैं अरदास करता सारे की माया सब जी करे सतगुरु महाराज कृपा करे दाता क्योंकि गुरद्वारा साहब आना तो रब न जानना त्योंकि गुरद्वारा साहब आए बाणी पढ़ा इतने को आके दर्शन करूंगा ना गुरु साहब के मैं 15 मिनट कह तो मैं दस ही लाने जथा आया बहुत सत्कारयोग और सतसंग जी जो दर्शन किए तो मैं दो तीन पंक्तियां की विचार कर दिया भी अंतर गुर आराधना जेवाह जप गुरु नाओ बिल्कुल ध्यान ना सुनो जी कहते अंदर आप रोज पढ़ते रहना साहब के पाठ के अंतर गुर आराधना जेवाह जप गुरु नाओ कहते अंदर उस गुरु की आराधना करनी जेवा होंगी जीवा जेवा जप गुरु नाओ नेत्री सत गुरु पेखना अखां दे नाल गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी के दर्शन करने देखो पवित्रता देखो साडा रब नूं तां जाण होना गुरद्वारा साहब बनाए इसे करके नेत्री सत गुर पेखना अखां रब नूं वेख लिया नेत्री सत गुर पेखना सरवणी कन्ना ना सुनना रोज पढ़ते आप लहरा साहब सरवणी सुनना गुरनाओ अंतर गुर आराधना जे वाह जप गुरनाओ नेत्री सत गुर पेखना सरवणी सुनना गुरनाओ सतगुर से जो रते गए अखा के नाल दर्शन भी कर ले कना के नाल बाणी भी सुन ली सतगुर से रते क्या जो रते गए गुरुद्वारे आके रते गए मन दर्द है भाई हेठाओ पर शर्त रख दी दर्द है भाई हेठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनों ये वरत दे कहते महाराज सच्चे पातशाह ने कृपा कर दिया कहो नाल ने कृपा करे जिसनों ये वरत सारा कुछ जी रज कहो नाल कृपा करे जिसनों ये वरत दे फिर अगले बने कहता कहते जग मैं उत्तम काढ़ी है जग मैं उत्तम काढ़ी है विरले के बोलो जी विरले के वाजी कहते विरले ने संसार के उत्ते उत्तम लोग जेडे ये सब कुछ करते ने रब न पाते हैं अख सतना सो आओ बेचारे तो गांह होंगे जानिया ये हटने होना इंडिया तो जथा आया
बहुत ज्यादा मैं साह संगत कीर्तनियों का सत्कार करदा। नाल ही मैं बेनती है भी कर दवा भी ग्रंथी सिंह जेडे आए ने स्पेन तो दस भी स्पेन ही आया तो बहुत गुरु के प्यारे ने भाई हरजिंदर सिंह जी बुनिए गुरु के कीर्तनी ने महाराज सच्चे पातशाह जी की सेवा करने वाले मैं तो अरदास करदा गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी के चरणों के महाराज इन्हों को चढ़ती कला की कीर्तन की सेवा लैन। और दूसरी नाल बेनती इंडिया का जोड़ा जत्था आया उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जी आया इन गुरु कृपा करे महाराज सच्चे पातशाह साह समय जी गुरबाणी दुरु दीर्तन सिंह का सत्कार करना चाहिए। महाराज सच्चे पातशाह जी सिखा ने बेनती की जो दसवें पातशाह महाराज सचखंड जाने लगे ना वराग में आके भिज के महाराज सच्चे पातशाह जी आपू पता साह समझ भी जो महाराज दसवें पातशाह सचखंड जाने लगे तो महाराज सच्चे पातशाह जी के शरीर में सज्जे बन्ने वक्ती जख्म से बहुत बड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जान लगे सच्चे पातशाह इतिहास से बड़ा लंबा है बस एक विचार महाराज सच्चे पातशाह जी के जख्म बहुत अल्लाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जो जान लगे ना जो 52 हुक्म किए वचन किए सिख पंथ न अले जख्म ना ढो ला के चौंधे खून चो आखो सतना। उस वे महाराज सच्चे पातशाह जी ने बेनती की महाराज जी सिखा ने वराग में गुरलाप हो के महाराज सच्चे पातशाह जी आप जी सचखंड चले उसे सू लड़ ला के जाना महाराज कहते सिखो मैं कह तो दिता भी आ गया भई काल कीर्तन भी चलायो पंथ कहते मैं एक नहीं कह लगा सब सिखन को गुरु मान्यो सारे बोलो जी गुरु मान्यो कहते गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी मनना अज तो जोर टका दिती सिखा ने फिर लाभ होकर कहा महाराज जी दर्शन फिर आ करते महाराज कहते मेरी आत्मा गुरु ग्रंथ ते मेरा शरीर खालसे पंथ विच भाव कि पंजा पैरां विच महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ये मेरा वासा। सो सार समय जी बस हम इतने समाप्ति करनी है जी चाह गां हुंदियां जांदियां बोलदियां पास में बेअंत प्रकार दियां भुल्लां गलतियां हो गईयां होणगियां सतगुरु ते गुरु की संगत बख्शन योग है जी एक बार फिर गुरु कृपा करे सारी संगत नूं काबल की जिनी भी संगत है सारी संगत नूं बजुर्गां नूं सारिया माइयां भाइयां नूं गुरुद्वारा साहब दियां लख लख वधाईयां होण जी गज वज के बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
Thank you.
हमारे पास
ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਆਰਾਮ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਇੱਕ ਐਮਸਟਰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੋਟਾ ਡੰਗ ਤੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੈਨ ਨਾਗ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ ਕੁਛ ਅੱਗੇ 3 ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਾਣ ਘਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਛੱਡੀ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੀ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਈਏ ਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਕਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਚੱਲੇ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਣੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਚਾਹ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਈਏ ਕੋਈ ਕਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋ ਕੋਈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਭਾਈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਆਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਿਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਧਨ ਧਨ ਹਮਾਰੇ ਪਾਗ ਘਰ
Yeah.
Oh,
I'm
Thank you.
ਹੈ।